हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। और हम सब पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू, और आज हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में ही परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू में मेरिस्टमेटिक टिश्यू कौन कौन से होते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। आज हम देखेंगे प्लांट टिश्यू में परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं और कितने उसके टाइप्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। परमानेंट टिश्यू दो तरह के पढ़ने हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन टाइप्स का पढ़ना है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमें पढ़ना है जाइलम और फिलोयम। पेरेन्काइमा, तो पेरेन्काइमा शुरू करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। मतलब इसमें कोई भी अलग अलग सेल्स का कम्बिनेशन नहीं होता है। तो जब सेम टाइप के सेल्स का कम्बिनेशन होकर के टिश्यू बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप है वो है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा क्या क्या पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। इट कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स। तो सिंपल टिश्यू से बने हुए हैं, सिंपल सेल्स से बने हुए हैं और इनका सेल वॉल थिन होता है। दे आर लिविंग सेल्स। पेरेन्काइमा टिश्यू के जो भी सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं, लूजली पैक्ड होंगे, और लूजली पैक होने के चलते उन सेल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। मींस दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्पेसेस बिटवीन देयर सेल्स एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर स्पेसेस। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। मतलब ये उनका फंक्शन है। फिर की पेरेन्काइमा टिश्यू क्या करते हैं, तो दे स्टोर्स फूड। ये है पेरेन्काइमा टिश्यू का डायग्राम, आप देख सकते हो सेल्स जो हैं बिल्कुल लूजली पैक्ड हैं और सेल्स के बीच में ढेर सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस। और याद रखेंगे कि इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड इन द प्लांट्स। देन द टिश्यू इज प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट एज इन द लीव्स। लोकेशन अगर पूछा जाएगा तो आप लोकेशन इजीली बता सकते हो कि दे आर प्रेजेंट इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज़ इन द लीव्स। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल। इसका मॉडिफिकेशन दिया हुआ है कि कुछ सिचुएशंस होते हैं और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, पेरेन्काइमा क्लोरोफिल को कंटेन करता है, तो उस समय ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो एट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। तो जिस समय पेरेन्काइमा टिश्यू अपने अंदर क्लोरोफिल कंटेन करेगा उस समय उसका फंक्शन हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, और उस समय उसको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। इन एक्वेटिक प्लांट्स द इंटरसेलुलर स्पेसेस कंटेन्स एयर एंड हेल्प द प्लांट टू फ्लोट ऑन द वाटर। ये दूसरा मॉडिफिकेशन है पेरेन्काइमा का कि एक्वेटिक प्लांट्स में जो पेरेन्काइमा टिश्यू हैं उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उसमें एयर भरा रहता है जिसके चलते उस प्लांट को बॉयंसी मिलता है, और उस बॉयंसी के चलते वो इजीली वाटर सरफेस पे फ्लोट कर सकता है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं पेरेन्काइमा। यानी कि टोटल दो मॉडिफिकेशन है पेरेन्काइमा टिश्यू के, एक क्लोरेन्काइमा जब वो क्लोरोफिल कंटेन करेगा, और दूसरा एक पेरेन्काइमा जब वो एयर को कंटेन करेगा। तो इसको भी याद रखेंगे कि क्लोरेन्काइमा क्या होता है और पेरेन्काइमा क्या होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कोलेन्काइमा। तो द फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट इज ड्यू टू दिस टिश्यू। तो कोलेन्काइमा के चलते ही प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक टेंड्रिल्स, स्टेम्स विदाउट ब्रेकिंग। तो जो टेंड्रिल्स होते हैं वो या स्टेम्स होते हैं वो जो
सॉफ्ट पार्ट हैं जो कि बेंड हो जाते हैं इजिली, वो जो प्रॉपर्टी है बेंडिंग की वो कोलेनकाइमा टिश्यू के चलते पॉसिबल हो पाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीफ स्टाक बिलो द एपिडर्मिस। तो जो आपको पहले के वीडियो में हमने एपिडर्मिस दिखाया है वो एपिडर्मिस के लेयर के जस्ट नीचे और लीफ स्टाक के आसपास ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये आपका लोकेशन हो गया। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। तो जैसे हमने पेरेन्काइमा को पढ़ा कि पेरेन्काइमा के सारे सेल्स लिविंग होते हैं, वैसे ही कोलेनकाइमा के भी सारे सेल्स लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो इलोंगेटेड होंगे, कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, बट जब पेरेन्काइमा के सेल्स हैं वो ओवल होते हैं एंड इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स। लेकिन कॉर्नर्स पे जो हैं थिक होंगे, बाकी जगह थिन होंगे लेकिन कॉर्नर्स पे थिक होंगे। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलर स्पेस, और इनके सेल्स के बीच में इंटरसेलर जो स्पेसेस हैं बहुत ही कम होता है। तो जो कॉर्नर्स हैं वहाँ कॉर्नर्स पे क्या होगा, लिग्निन का प्रेजेंस होता है, और लिग्निन के प्रेजेंस से टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। तो क्योंकि कॉर्नर्स पे ही केवल प्रेजेंट हैं तो इसलिए मजबूती तो मिलती है बट उतना ज़्यादा मजबूती नहीं मिलती है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये है आपका कोलेनकाइमा, और कोलेनकाइमा आप देख सकते हो इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हैं या नियरली बहुत कम प्रेजेंट हैं, और कॉर्नर्स पे जो हैं थिक सेल वॉल है एंड दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लिग्निन। और थर्ड टाइप का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्क्लेरेनकाइमा। दिस टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। इससे प्लांट जो है बिल्कुल हार्ड हो जाता है और स्टिफ हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि इनके सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है और जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी थिक होता है। और क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। और एग्जाम्पल यहाँ दिया है, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ दिस टिश्यू। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में बार बार आता है दैट हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ दिस टाइप ऑफ टिश्यू, तो दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। द सेल्स आर डेड, और इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। तो डिफरेंसेस जब लिखने को आएगा तो आप लिख सकते हो कि पेरेनकाइमा के सेल्स लाइव होते हैं, कोलेनकाइमा के सेल्स लाइव होते हैं, बट स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग नैरो एज द वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन। तो अभी हमने आपको शुरू में ही बताया कि इसके सेल वॉल्स थिक होते हैं क्योंकि लिग्निन का उसमें एक लेयर होता है, और लिग्निन कैसा काम करता है, बिल्कुल सीमेंट जैसा काम करता है। तो जैसे हम सीमेंट लगा के दो ईंटों को जोड़ सकते हैं, वैसे ही लिग्निन दो सेल्स को काफ़ी मजबूती से जोड़ के रखता है, और इसीलिए ये टिश्यू प्लांट को हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड कराता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस टोटली एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं होता है, एंड दिस टिश्यू आर प्रेजेंट इन स्टेम्स नियर द वेस्कुलर बंडल्स। तो वेस्कुलर बंडल्स आपको बता चुके हैं क्या होता है। वेस्कुलर बंडल्स मीन्स द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम दोनों को कंबाइनली हम लोग वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। तो वेस्कुलर बंडल्स के आसपास ये टिश्यू पाए जाते हैं, वेंस ऑफ द लीव्स में पाए जाते हैं, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, जो सीड्स की कवरिंग होती है, जो हार्ड हार्ड कवरिंग होती है, नट्स की जो कवरिंग होती है, ये सारे जगह पे मिलता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो ये इसका फंक्शन हो गया। नाउ एक एपिडर्मिस है जो आउटर लेयर है सारे प्लांट्स का। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना रहता है और पूरी प्लांट बॉडी को कवर किए रहता है। इन ड्राई हैबिटेट द प्लांट्स आर हैविंग थिक एपिडर्मिस। और जो ड्राई हैबिटेट है मीन्स जो डेजर्ट एरिया है वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनका जो एपिडर्मिस होता है वो थिक होता है, ताकि जो ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है उसको वो बचा सके। द होल आउटर सर्फेस ऑफ द प्लांट बॉडी इज कवर्ड विथ एपिडर्मिस। एरियल पार्ट ऑफ एपिडर्मिस समटाइम्स सिक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द प्लांट। तो किसी किसी प्लांट में जो एपिडर्मिस है वो वैक्सी लेयर सिक्रेट करता है ताकि वाटर रेजिस्टेंस वो बना रहे एरिया, और ये जनरली होता है एक्वेटिक प्लांट्स में। एक्वेटिक प्लांट्स जैसे लोटस का प्लांट है, उसके लीफ पे आप देखोगे तो जल्दी वहाँ पे पानी टिकता नहीं है, दैट इज़ ड्यू टू वैक्सी कोटिंग। और नेक्स्ट, एपिडर्मिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय द
पैरासाइट्स। तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है कि एक तो वाटर का लॉस को बचाता है जो ट्रांसपिरेशन का टाइम होता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, और ये कोशिश करता है कि प्लांट्स में कोई पैरासाइट इन्वेज ना करे या कोई भी पैरासाइट्स उसको अफेक्ट ना करे। द एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीफ कंसिस्ट ऑफ वेरी माइन्यूट पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और एपिडर्मिस लेयर में ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो माइन्यूट पोर्स होते हैं, जो आप छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, तो वो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय टू किडनी बीन शेप्ड सेल्स। दो किडनी बीन यानी राजमा का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के दो सेल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। द स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमोसफियर। द स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्राम द एटमोसफियर। स्टोमेटा आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन। एपिडर्मल लेयर ऑफ द रूट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्राम द सॉयल। द रूट्स हैज इंक्रीजिंग द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जो एपिडर्मल लेयर है वो अगर रूट में प्रेजेंट है तो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और दूसरा चीज़ ये कि रूट में ढेर सारे रूट हेयर्स होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए। इन डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज़ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन दैट प्रोटेक्ट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होता है वो थिक होता है, और उसके साथ साथ उस पर वैक्सी कोटिंग होती है जो कि क्यूटीन से बनी होती है, और इसके चलते वाटर लॉस बच जाता है। एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर एंड ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस लेयर्स अंडरगो सर्टेन चेंजेस। तो जैसे जैसे प्लांट की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एपिडर्मिस और मोटा होता चला जाता है और उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर ऑफ सेल्स विच मेक्स कॉर्क। तो जो इंटरनल लेयर्स हैं वो कॉर्क बना लेते हैं, एपिडर्मिस के जो इंटरनल लेयर्स होंगे वो कॉर्क बना लेंगे। सेल्स ऑफ द कॉर्क आर डेड, और ये सेल्स जो होंगे डेड होंगे विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड देयर सेल्स आर अटैच्ड विद सीवरीन। तो जैसे अभी हमने लिग्निन का नाम लिया कि लिग्निन सीमेंटिंग सबस्टांस है, उसी तरह से सीवरीन भी सीमेंटिंग सबस्टांस है, और इन सेल्स को काफ़ी एक दूसरे से अटैच कर रखता है, और उनके सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता है। एंड ड्यू टू दिस वन द कॉर्क इज इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। और इसलिए कॉर्क जो होता है इम्परवियस गैसेस से और वाटर से होता है। इम्परवियस कहने का मतलब कि इसके अंदर बाहर गैसेस और वाटर एक्सचेंज नहीं हो सकते हैं, यानी कॉर्क से गैस बाहर नहीं निकल सकता है और वाटर भी बाहर नहीं निकल सकता है। इस प्रॉपर्टी के चलते जो हमारे पुराने केमिस्ट्री लैब्स होते थे या बायो लैब्स होते थे, तो वहाँ पे जो भी गैसेस या एसिड्स जो रखे जाते थे उन सभी बोटल्स का जो कैप होता था वो कॉर्क का बना रहता था, कॉर्क के स्टॉपर्स बने रहते थे। अभी तो आपको केमिस्ट्री लैब्स या बायो लैब्स में जो उनका ढक्कन बना रहता है दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, बट अर्लियर टाइम्स उनका जो कैप था, जो ढक्कन था, दैट वाज मेड अप ऑफ कॉर्क। तो वाई इट वाज मेड अप ऑफ कॉर्क, बिकॉज दैट इज़ इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, मतलब उसमें से कोई भी चीज़ बाहर वेपर बन के नहीं निकल सकता है। सेक्शन ऑफ स्टेम इसको ध्यान से देखेंगे, और ये एग्ज़ाम में आता है आपके एनसीईआरटी बुक से ये बना हुआ है। और जो सबसे आउटर लेयर एपिडर्मिस शो हो रहा है उसके ऊपर भी क्यूटिकल शो हो रहा है जो कि सिक्रीशन है एपिडर्मल लेयर का। देन कोलेनकाइमा है, पेरेनकाइमा है, और फिलोयम और जाइलम है जो कि इसको हम लोग वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो इस डायग्राम का आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, जाइलम और फिलोयम। और जाइलम और फिलोयम टुगेदर नोन एज वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर टिश्यू। ये नोट में हमने लिखा है और ये इंपॉर्टेंट है कि वैस्कुलर बंडल क्या है। तो दैट इज जाइलम एंड फिलोयम टुगेदर नोन एज वैस्कुलर बंडल और वैस्कुलर टिश्यू। नाउ जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो ये चार तरह के सेल्स से बने हैं, तो इसलिए
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अभी हमने शुरू में बताया आपको कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से बना है, इसलिए उसको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बना है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ देखो कि जाइलम जो है वो चार तरह के सेल्स से बना है, एक है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स, देन जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, चार तरह के सेल्स से बना है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसमें ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या करते हैं? ट्रैकिड एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड मेड अप ऑफ डेड सेल्स एंड वेन मैच्योर। और ट्रैकिड और वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्रैकिड्स और वेसल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हम लोग जिस स्ट्रॉ से हम लोग फ्रूटी पीते हैं उस टाइप का स्ट्रॉ टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है, बट वो थोड़े से टेपर्स होते हैं एट द एंड। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड जाइलम फाइबर्स आर सपोर्टिंग इन फंक्शन। तो चारों सेल्स के ये अलग अलग फंक्शंस हो गए जाइलम में, और इन टोटल हम कहेंगे जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स इन द प्लांट। नाउ फ्लोएम, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ सेल्स, दे आर सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम में पांच सेल्स मिलते हैं, पांच अलग अलग तरह के सेल्स मिलते हैं, और इसलिए इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। सीव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स विथ परफोरेटेड वॉल। परफोरेटेड वॉल्स कहने का मतलब कि फाइन माइन्यूट होल्स होते हैं जिसके चलते जो फूड पार्टिकल्स हैं वो नियर बाई सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड जो सीव ट्यूब्स हैं और सीव सेल्स हैं, दे ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर सेल्स आर लिविंग हेयर। तो दिस इज़ अबाउट द फ्लोएम एंड दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks a lot.